तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूमिनस कंपनी के सोलर इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको रेट से लेकर सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ये कौन सा मॉडल है, इसका प्राइस कितना है और हम इस पर कितने वाट सोलर पैनल लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो कोई ना कोई स्टेप आपसे मिस हो जाएगा और आप कोई ना कोई गलत इन्वर्टर खरीद लोगे सोलर इन्वर्टर के मामले में। दोस्तों ये मॉडल सबसे ज़्यादा बिकने वाला सोलर इन्वर्टर है जो कि सिंगल बैटरी के लिए उपलब्ध है और इस पर आप 12 वोल्ट के पैनल लगा सकते हो। हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, फिर हम इसकी बात करते हैं रेट वगैरह के बारे में। दोस्तों हमारे पास ये इन्वर्टर जो है वो आया है कल। हम इसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो 15 मई 2024, मई जून जुलाई मतलब एक महीने डिले के बाद हमारे पास ये इन्वर्टर आ जाता है, जो कि बहुत फास्ट है क्योंकि बहुत टाइम मतलब ओल्ड होते हैं इन्वर्टर बहुत जगह। मेरे पास बिल्कुल नया इन्वर्टर, वैसे तो ल्यूमिनस के सारे मॉडल मेरे पास अवेलेबल हैं 12 वोल्ट 24 वोल्ट में, तो ये मॉडल जो है ये सोलर इन्वर्टर है, सोलर NXG 1150E। ठीक है, ये इस तरह से इन्वर्टर है। फटाफट हम इसको बाहर निकालते हैं फिर हम बात करते हैं। दोस्तों अगर कहीं से भी आप ऑनलाइन मंगाते हो या खरीदते हो तो पैकिंग आपको इस तरह की दिखेगी जो कि अच्छी है और सेफली है। हम इसको और बाहर निकालते हैं। दोस्तों हमने इस इन्वर्टर को बाहर निकाला है तो यहाँ इस तरह का मॉडल है, इस पर ऊपर ल्यूमिनस लिखा हुआ है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं है, यहाँ पर सील है। उसके बाद में आगे से फ्रंट इस तरह का है और ये इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, सोलर NXG 1150 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। लाइट जब होगी तो ये वाली लाइट जलेगी ग्रीन, जब बैटरी को सोलर भरता होगा तो ये लाइट ग्रीन जलेगी, जब इन्वर्टर में मेंस की यानी बत्ती से चार्जिंग करता होगा तो ये वाली लाइट जलेगी, पावर सेवर ये वाली चलेगी, बैटरी डाउन होगी तो ये वाली चलेगी और ओवरलोड होगी तो ये वाली, इन्वर्टर को ऑन और ऑफ करोगे तो ये वाली सिस्टम ऑन वाली चलेगी। उसके बाद यहाँ पर भी ल्यूमिनस लिखा हुआ है, यहाँ से बॉडी प्लास्टिक की है और यहाँ पर ये टीन की है। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं इसके पीछे क्या क्या लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है PV IP रेटिंग मैक्सिमम 50 एम्पियर, मतलब इस पर आप 600-700 वाट पैनल तक लगा सकते हो अधिक से अधिक। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका सीरियल नंबर है और दोस्तों ये वाला जो फ्यूज है तब फूकता है जब हमारी लाइन में कहीं से कोई फॉल्ट होता है और ये फ्यूज ओरिजिनल 10-15 रुपए का आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वाली दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ये वाला जो प्लग है ये लाइट में लगता है, जो कि आप लोगों को फिटिंग भी बता देते हैं, और ये वाली जो तार दो हैं ये बैटरी में क्लिप लगते हैं, लाल वाली प्लस में काली वाली माइनस में। उसके बाद जो हमारे घर में सप्लाई चलती है वो आउटपुट है, यानी यहाँ से हम अपनी घर की सप्लाई निकाल सकते हैं। ये वाले बटन को आपको नहीं छूना है और यहाँ पर आपको सोलर की कैसी कनेक्शन करना है, यहाँ पर पैनल 12 वोल्ट प्लस और माइनस लिखा हुआ है जो कि आप यहाँ से इसका कनेक्शन कर सकते हो आराम से टेस्टर की मदद से, इस तरह से इसमें पेस्ट कस सकते हो। दोस्तों ये इन्वर्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको यह इन्वर्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद में आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वह भी हमें बताएं और हम उसको वीडियो आपको बना के देंगे। इसका रेट की अगर हम बात करें तो आपको 5700 या 5800 या 6000 के कम रेट में, 6000 से कम रेट में आपको हर जगह मिल जाएगा। हो सकता है कहीं पर रेट ज़्यादा हो कहीं पर कम हो, लेकिन चीज़ सोलर इन्वर्टर के मामले में अच्छी है और बैटरी की लाइफ भी बचाती है और इससे जो है आपका बिजली का मीटर जो बिजली का बिल आता है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और पैनल को अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। जय हिंद दोस्तों।